फ्लोर टेस्ट से पहले कमलनाथ ने अमित शाह को लिखा पत्र, कहा हमारे विधायकों को छुड़वाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वह कथित तौर पर बेंगलुरु और अन्य जगहों पर रखे गए कांग्रेस के 22 विधायकों की रिहाई सुनिश्चित करे ताकि ये विधायक विधानसभा के सत्र में शामिल हो सके। इस बीच राज्यपाल ने यह भी आदेश दे दिया है कि सोमवार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करवाया जाए और कमलनाथ अपना बहुमत साबित करें। मीडिया को जारी शाह को लिखे अपने 4 पृष्ठ के पत्र में कमलनाथ ने कहा, आप कृपया केंद्रीय मंत्री होने के नाते अपनी शक्तियों का प्रयोग करें जिससे कांग्रेस के 22 विधायक जो बंदी बनाए गए हैं वो वापस मध्य प्रदेश सुरक्षित पहुंच सके और 16 मार्च से प्रारंभ होने वाले विधानसभा सत्र में विधायक के रूप में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभा बिना भय अथवा लालच को निर्वाह कर सके। कमलनाथ ने 3 मार्च 2020 के बाद के मध्य प्रदेश में हो रहे घटनाक्रम का विस्तार से उल्लेख करते हुए गृह मंत्री को पत्र लिखा और विधायकों की रिहाई करवाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल द्वारा मुझे सूचित किया गया है कि विधायक विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष सुनवाई में भाग लेंगे, उनकी सुरक्षा का भार सीआरपीएफ को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री होने के नाते सभी नागरिकों जिसमें विधायक गण भी शामिल है की सुरक्षा सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व तो मुझ पर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ की यदि कर्नाटक पुलिस द्वारा इन 22 विधायकों को रिहा कर दिया जाता है तो मैं राज्य सरकार की ओर से उच्चतम सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करूंगा ताकि वे न केवल बिना किसी डर के अपनी बात विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष रख सके बल्कि विधानसभा की आगामी दिनों में होने वाली विविध कार्यवाही में भी शामिल हो सके। सोमवार से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है लेकिन इससे पहले फ्लोर टेस्ट होगा। कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। देखना है कि अगर बागी विधायक विधानसभा में नहीं पेश होते हैं तो स्पीकर उन्हें अयोग्य ठहराते हैं या फिर कमलनाथ उन्हें पार्टी से निष्कासित करते हैं। फिलहाल बीजेपी में आत्मविश्वास नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में आगे क्या होगा यह फ्लोर टेस्ट के बाद ही साफ हो जाएगा।